हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग मस्त होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अब मेरी थोड़ी तबीयत बेटर है, तो आज है छुट्टी का दिन, तो फिलहाल तो अभी हम लोग घर में ही हैं और अभी घर पे ही रहेंगे। बट कहीं जाना होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। चाय वगैरह पी ली है और एज यूजल आईडी और आकांक्षा बहुत शैतानी कर रहे हैं और मैं शैतानी बिल्कुल नहीं करती हूँ ना आकांक्षा। हाँ, देखो क्या हो रहा है, क्या हो गया, उतना सुस्त क्यों हो रहा है? पिटाना ही अभी। पिट गया ये तो, एडी पिट चुका है और एडी तो पिटते ही रहता है। एडी यहाँ पे मस्त बैठा है, यहाँ मैंने साफ भी कर दिया है। ब्राउनी वहाँ खेल रही है, कभी इधर जा रही है कभी इधर, और एडी तो बैठा है। ये बेल्ट लगाया नहीं, ये पकड़ के बैठा है, पता नहीं क्यों। तो एडी आमतौर पर ऐसे ही बैठता है। और अभी तो यार ठंड काफ़ी है यहाँ पे। अगर आप लोग भीमताल आना प्लान कर रहे हैं न्यू ईयर में या फिर क्रिसमस वगैरह में, यार धूप बहुत आ रही है, काफी तैयारी के साथ आइएगा। पानी यार, पानी पानी पानी, इसका काम हो गया। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने आसपास, यहाँ पर शायद हमको दीदी लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। बने रहिएगा व्लॉग में। और लेट ही हम जा रहे हैं, बज रहे हैं अभी 4:15, तो चलो फिर चलते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहीं पे ही दीदी के वहाँ। थोड़ा सा जाना है, एक जगह पांडे गांव में एक जगह है, तो वहाँ पे जिया जी को भी कुछ शूट करना है, तो मैंने कहा चलो मैं भी कुछ शूट कर लूँगी, क्योंकि रेगुलर मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, एक तो तबीयत की वजह से भी और थोड़ा गला वगैरह भी ऐसे ही है। तो ये है जिया जी जो कि रेडी हैं, और ये है उनका सुपुत्र, सुपुत्र श्री देवाशीष पंत, और वो उनकी धर्म पत्नी। आकांक्षा का इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं है, वो बहुत बार आ गई है। सो हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम लोग को आना था। और अभी मैं आपको, आपने शायद ये जगह पहले भी देखी होगी, मेरे पीछे है यहाँ का पंचायत घर। यहाँ पे हम लोग ऑफिशियल मीटिंग वगैरह के लिए आए हैं, और जो जैसा कि है जिया जी ने जो बताया है कि उनका यहाँ पे बचपन बीता है। हम लोग की ऑफिस की मीटिंग हुई थी, तो ये सभी लोग आए हैं। जिया जी भी अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं और हम लोग भी बस चढ़ रहे हैं, चढ़ाई शुरू कर दी हम लोगों ने। चलिए फिर चलते हैं। तो आज हम लोग जहाँ ये आए हैं इसके बारे में ये बताएंगी दीदी। आप हमारे राठी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। और कहाँ का दौरा हो रहा है? बस आज ऐसे ही आए हैं, थोड़ा छोटे छोटे बच्चे भी घूम रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? यामिनी। यामिनी कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फोर्थ। और ये आपकी बहन है? नहीं। भाई है? नहीं, मेरी बहन। ओके। तो इस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में जो महिलाएं होती हैं हर दिन स्ट्रगल करती हैं, और यहाँ पर वो पेड़ से कटिंग कर रहे हैं। जिया जी अपना वहाँ शूटिंग कर रहे हैं। तो ये जिया जी का जो घर है, बेसिकली उन्होंने यहाँ, उनका यहाँ बहुत ज़्यादा समय यहाँ बीता है, और यहाँ पर भाभी ननद बहुत उस कहानी में ये भी है, मेरी फर्स्ट सहेली थी। ओके। दुख सुख की साथी, ये तो बहुत खतरनाक। इनका चेहरा सामने, चेहरा दिखाएंगे इनका। मीरा है। तो ये जिया जी का गांव है जहाँ पे जिया जी का बचपन बीता है। दर्शित भी यहाँ पे पैदा हुआ है, और तो काफी जिया जी को मतलब लगाव है यहाँ से। और इस टाइप के देखिए घर होते हैं, और पहाड़ों में ऐसा ये जरूर आमतौर पे आपको, चाहे आप कुमाऊं जाएं चाहे आप गढ़वाल जाएं, आपको इस तरीके के पत्थरनुमा घर देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो और इमाइग्रेशन तो यार एक बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम है अभी, किसी भी स्टेट में जहाँ पे हिली रीजन है माइग्रेशन एक इशू होता है, जरूर होता है। बट अब वही है कि यार डेवलपमेंट के लिए, बट ऐसा नहीं है, काफ़ी चीज़ें तो हो ही रही हैं। और दीदी तो अभी तक नीचे ही है मेरे ख्याल से ना, दीदी नीचे ही है। और ये हमारे दर्शित भाई और आस्था जी उर्फ आकांक्षा जी, दीदी वहाँ पे, दीदी वहीं पर है अभी तक। बैठने का होता था ये, क्या बढ़िया यार, बैठते थे एक नंबर। पहाड़ी और ये है वो स्टाइल, तामे की तौली पहाड़ों में बनी था। सो जब हम इस तरीके से पहाड़ों में आते हैं, आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी जब मैं जिम कॉर्बेट गई थी, तो इससे आपको जो जंगल काफ़ी मतलब अच्छे लगते हैं। जब आप नेचर के करीब होते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है, और काफ़ी बढ़िया इन्वायरमेंट है। और ऐसे हिडन प्लेसेस कभी आप लोग आएँ जैसे भीमताल, नैनीताल या कहीं भी, तो आप लोग एक्सप्लोर करिए।
बट कोशिश करिए कि जो हिडन है कुछ एक्सप्लोर करें। तो हम लोग वही लोकेशन पे आ गए हैं, ये वही कनेक्टिंग रोड है जहाँ पे हम लोग परसों वाले शायद परसों गए थे हम लोग, हाँ परसों ही गए थे। सब लोग आ चुके हैं, डिनर वगैरह तो दीदी क्या ही कर लिया था, आवाज़ थोड़ी बेटर ही है। सो उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं थोड़ा सा एडिट कर लूँगी और फिर सो जाऊँगी, कल ऑफिस है और कल थोड़ा सा देखते हैं कहीं जाना होगा तो, ठंड लग रही है बट मैं जब सोने आती हूँ तो मैं स्वेटर वगैरह नहीं, नॉर्मल टी शर्ट ही पहनती हूँ। सो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे सेफ।